राज्य में बिजली के उत्पादन का सिलसिला देश की आजादी से पहले से ही शुरू हो चुका था और उसके बाद की सरकारों ने भी राज्य के लोगों को बिजली उपलब्ध करवाने के मकसद से बिजली उत्पादन के लिए कई योजनाएं बनाई। राज्य के हर गांव हर व्यक्ति को 24 घंटे क्वालिटी पावर की आपूर्ति के लिए मौजूदा गठबंधन सरकार ने वर्ष 2017-18 तक का लक्ष्य निर्धारित किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत 619.67 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। यही नहीं, शहरी इलाकों में ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के सुधार के लिए इंटीग्रेट पावर डेवलपमेंट स्कीम के तहत भी 444.50 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। राज्य में बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 15 नई परियोजनाएं शुरू करने का फैसला किया, जिनसे 306.50 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। 582 मेगावाट बिजली ट्रांसमिट करने के लिए विभाग ने जलंधर अमरगढ़ सांबा ट्रांसमिशन लाइन पर काम शुरू किया है। इस लाइन के माध्यम से घाटी और लद्दाख नेशनल ग्रिड के साथ जोड़ा जाएगा और इस लाइन के माध्यम से लद्दाख से सरप्लस बिजली को नेशनल ग्रिड में लाया जाएगा। बिजली विभाग ने उद्योगों को बढ़ावा देने और उन्हें 24 घंटे बिजली की आपूर्ति के लिए भी जम्मू और कश्मीर संभाग के लिए योजना बनाई है। इस योजना के तहत उद्योग इकाई के लिए अलग ग्रिड स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। इसी तर्ज पर पर्यटन और सिंचाई विभाग के लिए भी योजनाएं बनाई जा रही है। विभाग की ओर से बिजली की बचत के लिए भी कई अभियान शुरू किए गए हैं। विभाग ने केंद्रीय सरकार की उजाला योजना के तहत अब तक रियासत में 64 लाख से भी अधिक LED बल्ब दिए हैं। इसके अलावा जम्मू और श्रीनगर शहरों की LED स्ट्रीट लाइट्स के दूरसंचार कंपनी एयरसेल से एग्रीमेंट किया है। बिजली चोरी पर लगाम कसने के लिए विभाग ने स्मार्ट मीटर लगाने का फैसला किया है और विभाग ने वर्ष 2018-19 तक राज्य में 100% मीटर लगाने का लक्ष्य रखा है। विभाग ने राज्य के हर विधानसभा में बिजली खंभों और तारों की मरम्मत के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। बिजली के ढांचे के सुधार के लिए ट्रांसफार्मर बैंक और वर्कशॉप को मजबूत किया गया है। आओ मिलकर करें प्रयास, बिजली चोरी रोकें, उत्पादन बढ़ाएं, घर घर तक बिजली पहुँचाएं।